गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हैप्पी, हेल्थी, सेफ एंड साउंड माय लव्स। आज की रीडिंग का टॉपिक है द बर्थ ऑफ योर फर्स्ट चाइल्ड और आपके फ्यूचर हस्बैंड का रिएक्शन, आपके ससुराल का रिएक्शन, आपके मैके वालों का रिएक्शन, ओवरऑल क्या होने वाला है इस बच्चे को लेकर के एंड क्या होने वाले हैं उनके इमोशंस, फीलिंग्स, एनीथिंग। ऑलराइट, सो माय लव, पाइल वन एंड पाइल टू अपना पाइल चूज कर लें एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई विल सी यू देयर। हेलो एंजल पाइल वन, अगर आपके नए मनी चिल्ड्रन में से आए, देखते हैं क्या रिएक्शन रहने वाला है आपके पहले बच्चे की जो है जन्म पर, क्या रहने वाले हैं सबके इमोशंस। सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि ये ओवरऑल आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस होगा डिलीवरी का। ओके, आपके लिए ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस होगा। ओके इट्स ओके। यूनिटी, एट ऑफ फायर, पेज ऑफ अर्थ, पाइल वन, आपके लिए जो सारा डिलीवरी का प्रोसेस है फर्स्ट चाइल्ड, एक तो एस ऑफ एयर आया है, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप डरे हुए नहीं हो, ठीक है, आप डरे हुए नहीं हो, यू आर ओके। आई थिंक आपको कम्युनिकेशन बहुत मिली है आपके स्पाउस की तरफ से या ससुराल की तरफ से, मैके की तरफ से, उस कम्युनिकेशन आई मीन बातचीत बहुत हुई है, आपको समझाते रहे हैं वो या आपको लेकर के, आई मीन दे आर मोर इन टू कि आप परेशान ना हो, आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो, आपको समझाते रहिए। आपकी मदर या मदर इन लॉ फ्यूचर स्पाउस की तरफ से भी बहुत कम्युनिकेशन है एस ऑफ एयर, ठीक है। तो आपको ना, मतलब उन्होंने बातें कर कर के इतना पक्का कर दिया हुआ कि कुछ नहीं होता, एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। तो आपका माइंड बना दिया गया था कि इतने डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होता, सारी दुनिया ऐसे ही पैदा हुई है, ठीक है। ये एक चीज़ है, ठीक है। लेकिन आई वॉन्ट लाइक, मैं झूठ नहीं बोल सकती बिकॉज दिस इज द स्पिरिचुअलिटी। येस, फाइव ऑफ वाटर, आपको पेन होगा बिकॉज दिस इज आई थिंक नॉर्मल डिलीवरी के ही ज़्यादातर चांसेस हैं। येस, देयर इज पेन जो नॉर्मल प्रोसेस का होता है, ओके, एंड ऑब्वियसली यू विल क्राई एज वेल क्योंकि यहाँ पे क्राइंग का भी सीन है और जो भी जितना यू नो एक माँ को करना पड़ता है, दैट विल हैपन, ओके। बट ये इतना लंबा नहीं होगा प्रोसेस, बहुत देर तक नहीं, अक्सर होता है ना घंटों घंटे भी, लाइक अक्सर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हो जाती हैं, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही बिकॉज एकदम से साथ यूनिटी का कार्ड है। देखो यहाँ पे है था रोने का, लॉस का, क्योंकि आई थिंक कोई ब्लड लॉस या इस तरह की चीज़ भी हो सकती है या ग्लूकोज लेवल डाउन हो सकता है, कुछ भी, लेकिन साथ यूनिटी का कार्ड है, ठीक है। तो आई थिंक साथ ही लाइक यू विल बी ओके, जैसे बच्चे की जन्म होता है, यू विल बी ओके, यू विल बी यूनाइटेड विद दैट किड, बल्कि अभी तो बेबी है, नॉट किड, ओके। सो यहाँ पे मेंटोर्स हैं, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, ये सब आकर के आपको काफ़ी ज़्यादा हेल करेंगे, स्पेशली अगर आप डॉक्टर्स के साथ हैं, नर्सेज के साथ हैं, बहुत हेल्पिंग होगा वो सारा क्रू, सारा अमला, ठीक है। सो डोंट वरी, तो आपके लिए एक्सपीरियंस जो है, यस पेनफुल, बट बहुत थोड़े टाइम के लिए आपको दर्द होगा या यू कैन से बहुत थोड़े टाइम के लिए आप परेशान होगे, यू विल बी फाइन विद दी यू नो एंड रिज़ल्ट जो भी होगा उसमें आप यू विल बी लाइक ठीक है, अगर से लिया थोड़ा सा दर्द कोई बात नहीं, रिजल्ट बहुत प्यारा है फाइनल, ठीक है। एट ऑफ फायर है, पेज ऑफ अर्थ है, बहुत ही प्यारा बेबी है, पेज ऑफ अर्थ बहुत ही प्यारा बेबी है,
जेंडर इधर डिफाइन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी का बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, या जो भी डिवाइन ने लिखा है। ओके, बहुत ही प्यारा पेज ऑफ फट बेबी है। आई थिंक इसका वेट थोड़ा सा कम हो सकता है, या आप वीक हो जाओ हो बहुत उस टाइम, बट 8 of 5 है। ओके, आई थिंक आपको डिस्चार्ज भी जल्दी मिल जाएगा, बिकॉज ये फास्टनेस का कार्ड है। इवेंट्स मूविंग एट फास्टर पेस, पेस एंड डिलेज आर ओवर, मैनी थिंग्स विल हैपन एट वंस। तो आई थिंक काफ़ी सारे आपके रिलेटिव्स आ सकते हैं, आपको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ द सिचुएशन अबाउट योर फर्स्ट डिलीवरी। एंड आई थिंक काफ़ी मुझे रश लग रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे जब जैसे जैसे उनको खबर मिलेगी कि आप लेबर रूम में हो इस तरह। बट एवरी थिंग अब दूसरों के अभी हम मैंने देख नहीं, अच्छा फीलिंग्स एंड इमोशंस, लेकिन ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बताया है मैंने। एंड इवन इफ़ यू गो थ्रू सी सेक्शन, क्योंकि हमें 5 of Water है, पॉसिबल है कुछ लड़कियों के लिए सी सेक्शन हो सकता है, डिपेंड करता है, स्टिल स्टिल आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होने वाला, खास कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। एवरी थिंग विल गो फाइन, और आपको डिस्चार्ज भी जल्दी मिल जाएगा 8 of Fire, ठीक है। लेकिन बेबी बहुत प्यारा है आपका, देखें गुड न्यूज़, ठीक है। अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स भी लक्ष्मी भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा बेबी होगा ये, खैर डिवाइन की कृपा हो सब पर ही, सब लड़कियों पर। लेट्स मूव ऑन कि आपके स्पाउस जो है, आपके हस्बैंड क्या रिएक्शन है रहने वाला उनका, देख करके आप अपना बेबी रिएक्शन क्या रहने वाला है। 3 of Fire, वाह, ठहरे ज़रा इनका रिएक्शन देखे ना, उस दौरान प्रोसेस में भी और उसके बाद भी। 7 of Earth, ओह 10 of Fire, सो केयरिंग, Queen of Fire एंड Queen of Water। जी आपके जो पतिदेव, आपके हस्बैंड रिएक्शन गाइस, रिएक्शन उनका ये रहने वाला है कि इंतहाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उनकी, 10 of 5, ठीक है। स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, कि आपको, आपके लिए ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि अभी बच्चे की वाइब इनकी नहीं आई। उसी क्वीन क्वीन क्वीन, दोनों क्वीन के कार्ड्स हैं, इनको अपनी क्वीन की ज़्यादा फिक्र है एज़ कम्पेयर टू बेबी, कि आपको ना कुछ हो जाए, या कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, या कुछ और, राइट। तो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, आई थिंक आपको शो नहीं करेंगे, देखो 7 of Earth है, कुछ छुपाने का कार्ड है, छुपा आपको तो वो दिलासा ही देंगे, आपको तो यही कहेंगे कुछ नहीं होता, ये है वो है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब तुम्हारे साथ है। लेकिन इसे वो कहते हैं ना अंदर से, वो स्लैंग वर्ड है थोड़ा, बट मैं यूज़ करना चाहूँगी, जिसे वो कहते हैं ना अंदर से फटी होना, लाइक सॉरी इट वॉज अ लिटल बिट वियर्ड, बट हिल बी लाइक पता नहीं आज क्या होना है दिल दिल में, ठीक है। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, 3 of 5 है, वेट का कार्ड है। यस, जब तक आप लेबर रूम से बाहर नहीं आते हो, या मतलब जो भी नर्स की तरफ से कोई होता नहीं आता है, कोई भी पैगाम नहीं मिलता है, वो ही विल बी स्टैंडिंग देयर आउटसाइड वेटिंग, यू सी इस कंडीशन, ठहरो ये देखो, समबडी इज़ वेटिंग आउटसाइड सिटिंग, पीछे मुंह करके, ठीक है। और चाहे इनको अकेले बैठना पड़े, जो भी है ही विल बी देयर, ठीक है। इधर जो फॉरेन कंट्री से है NRI, वहाँ पे तो हो जाता है, लाइक हस्बैंड को अंदर आने की इजाज़त होती है, और अक्सर होते भी हैं लेबर रूम में, लेकिन डिपेंड्स कि आप कौन सी कंट्री से हैं, कुछ कंट्रीज़ में नहीं भी ये कल्चर या सिचुएशन। तो बहरहाल जा भी है, ये आपके साथ ही होंगे, चाहे लेबर रूम के बाहर, चाहे लेबर रूम के अंदर, ठीक है। द थिंग इज़ के बच्चे को देखने के बाद, क्योंकि पहले 3 कार्ड आए हैं आपकी डिलीवरी के दौरान की उनकी सिचुएशन, जो कि इंतहाई स्ट्रेसफुल है, स्टैंड बाई बैठे हैं, 7 of Earth, तमाम काम छोड़े हुए इन्होंने, टेम्परेरी पॉज यहाँ पे आया है, और वरी का कार्ड है, ठीक है।
डिपेंड करता है टाइम किस वक्त का है, सुबह का है, ऑफिस का टाइम है, ऑफिस में से छुट्टी वापस आ जाएंगे, जो भी है, हर चीज़ पे उन्होंने पॉज लगा करके हर चीज़ को छोड़ करके वापस आए हैं। एंड द थिंग इज़ के क्वीन ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ वाटर बेबी को देख करके तो बस फिर बहुत ज़्यादा उनको प्यार आएगा बेबी पर। और ऐसे जैसे इंसान को क्वीन ऑफ फायर जैसी कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक वार्म आ जाती है, एक शक्ति नहीं मिलती है उसी, ये देखिए तो पोस्चर चेक करें अपने हस्बैंड का। डजेंट मैटर कि जेंडर क्या है, यहाँ पर क्वीन की एनर्जी है, बट स्टिल क्वीन की एनर्जी इसलिए आ रही है बार बार बिकॉज बच्चा है ना, तो वो चाहे पिता हो चाहे माता हो, तो स्टिल एक टेंडरनेस होती है, एक कोजीनेस होती है बच्चे की तरफ, वार्म होती है, ठीक है ना। तो वो मदर फीलिंग्स बाप के अंदर भी होती है एक वार्म सी, तो इसलिए क्वीन के कहा जाए। लेकिन आप ये देखो इनका पोस्चर देखो, इनकी आंखों में एक वो देखो जैसे शेर होता है, जैसे मैंने सब कुछ पा लिया, एज आई हैव विन, मैं जीत चुका हूँ, और लाइक नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, अब ठीक हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैसेज है, स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, असर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो उन्हीं की है ये, बहरहाल बहुत ही ज़्यादा प्राउड, ही सो प्राउड ऑफ हिज बेबी। मैं यहाँ किसी जेंडर को मेंशन नहीं करूँगी, गर्ल है बॉय है, बिकॉज यहाँ दोनों के ही चांसेस हैं। क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ फायर रिप्रेजेंट करता है बॉय को, क्वीन ऑफ वाटर जो है वो गर्ल को, बट ही इज़ इक्वली हैप्पी कुछ भी हो, ठीक है। कुछ लोगों के केस में एक ट्विंस भी हो सकते हैं, एक गर्ल और एक बॉय, ठीक है। और बहुत ही इनके एम्पैथेटिक उस बच्चे के लिए इमोशंस हैं, पेशेंस है, लव है, एक न्यू लेवल ऑफ फीलिंग है, ट्रस्ट है, केयर है, जो भी है, बट स्टिल ही इज़ शैटरिंग, आई डोंट नो वाई, स्टिल उसको पकड़ के भी ही विल बी शैटरिंग, लाइक ट्रेम्बलिंग, मतलब उसके हाथ में ना ऐसे जैसे कांप नहीं रहे होते बच्चे को उठा के, आवाज़ कांप रही होती है, हाथ कांप रहे होते हैं, इस तरह कान की सिचुएशन होगी कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या है, मैंने क्या पकड़ा हुआ है, इतना छोटी सी चीज़, राइट। क्योंकि यू नो बच्चे तो न्यू बॉर्न बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ही नरम नाजुक होते हैं, तो ये इनकी सिचुएशन है, ये इनको नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है सब कुछ, ठीक है। सो ओवरवेल्म्ड सिचुएशन, लेट्स सी आपको ससुराल वालों का क्या रिएक्शन रहने वाला है। ओके, फाइव ऑफ अर्थ, टू ऑफ वाटर, रिन्यूअल, बैलेंस, टू ऑफ फायर। सो गाइस, पाइल वन, आपको ससुराल वालों का रिएक्शन ये रहने वाला है, या तो ये पहला बच्चा है उनके पूरे खानदान का, या फिर कोई बैड एक्सपीरियंस है पास्ट किसी बच्चे से, पिछले किसी बहू से, बिकॉज दे आर सो मच इन फियर कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, और लाइक बहुत अनसर्टिनिटी है उनको बच्चे के मामले में, डरे हुए लेकिन शोर नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि टू ऑफ वाटर है। आपको तो वो बहुत प्यार से और बहुत प्यार से उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन ये बच्चा उनके लिए एक रीन्यूअल का एक बाइस बनेगा, किसी चीज़ की रीन्यूअल, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या बनी हुई है वहाँ, लेकिन दिस बच्चा इज़ रिन्यू फॉर योर ससुराल, ठीक है। एक नया, एक नई शुरुआत, एक ऐसी चीज़ जिससे वो डर गए थे, और अब बैलेंस आ गया है इसके आने से बच्चे के, ठीक है। बहुत बहुत फियरफुल है आपको ससुराल वाले, पता नहीं क्या है इनको पास्ट एक्सपीरियंस, ये किसी पुरानी बहू ने शायद को अच्छा नहीं किया इनके साथ कभी ना, बच्चे को लेकर के शायद सेपरेट हो गई वो लेके बच्चा, या आई डोंट नो, एनीवेज़ जो भी है, टू ऑफ फायर, बहुत सारे गिफ्ट्स इस बच्चे को मिलने वाले हैं टू फायर के साथ, और सब बहुत खुश हैं, उनको बहुत सारे फियर्स थे, डाउट्स थे लेकर के बच्चे को लेकर, सब क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन आए हैं आपके जो मैका है, योर लवली मैका, क्या उनका रिएक्शन रहने वाला है बच्चे को लेकर के। ओके, रिलीज, पेज ऑफ फायर,
मैजिशियन, मैके का रिएक्शन सबको सुनना है। ओह माय गॉड जी, माता आपकी बहुत टेंशन में है, बहुत बहुत टेंशन में है। क्या है, वो वहाँ पे हो भी गई, हो सकता है, लेकिन बच्चे को देख करके रिलीज़ हो जाएगी सबकी टेंशन। और एक जादुई मैजिशियन टाइप उनकी मतलब दुआ बहुत की है इन्होंने, बहुत ज़्यादा आपके मैके वालों ने, क्योंकि यहाँ पे ये दुआ का कार्ड है। बहुत प्रेयर किया है कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है? तो मैजिकली हो गया, एवरीथिंग वॉज वेल। एंड नंबर वन है गाइस, आपका पहला ही बच्चा है, और ये भी हो सकता है आपके मायके में भी, मतलब आपके बहन भाइयों में आप में से आप पहला ही हो जिसका बच्चा हुआ है। एसो वाटर भी यही चीज़ शो कर रही है, फर्स्ट चाइल्ड। ओके, बट एवरीबडी विल बी सो इन हिज लव, सो मच इन टू दिस किड। गाइस ये बच्चा जो है ना, बहुत लाडला रहने वाला, और इसने, मैं बता दूँ, इतने लाड ने इसको स्पॉइल कर देना। आई कैन सी लाड फ्रॉम एवरीवेयर, लिटरली हर एक ने इसको उठा उठा के पिन्ना, और फिर इसको एनीवेज वट एवर, आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट। ओके, बिकॉज लिटल इट वॉज अ लिटल बिट इमोशनल एंड लिटल बिट सेंसिटिव टॉपिक, तो मैं इस पर और कुछ नहीं कहूँगी। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबडी, एवरी गर्ल, एंड या आप सबको ये वाली खुशियाँ मिले, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय जी। वेलकम पायल टू, आपकी डिलीवरी का ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपके फ्यूचर हस्बैंड का रिएक्शन, आपके ससुराल और मैके का रिएक्शन, ये है इसका टॉपिक। चलें जी, क्या रहने वाला है आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, पहले ये देखेंगे। फोर ऑफ वाटर, पाइल नंबर टू, ओके, नाइन ऑफ अर्थ, सॉरी नाइन ऑफ फायर एंड नाइट ऑफ अर्थ, टेन ऑफ अर्थ, वाह, वेल्थ, अमेजिंग, योर एक्सपीरियंस दी सन। ठीक है, इस पाइल नंबर टू, आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, आप, मैं पहले बता दूं आपको, आप काफ़ी डरे हुए हो गए। आई थिंक ये ऑब्वियसली फर्स्ट चाइल्ड है, यू विल बी डिसअपॉइंटेड, यू विल बी सो मच फियरफुल, इतनी आपको मतलब डरे हुए हो गए। सही, जो नाइन ऑफ फायर भी ये शो कर रहा है, यू विल बी लाइक पता नहीं आज क्या होना है, कैसे होगा। डॉक्टर से आप बार बार बात कर रहे हो, नर्स से बात कर रहे हो, कितना पेन होता है, क्या होगा, ठीक है बच्चे की पोजीशन, ये वो, सो मच क्यूरियस, सो मच फियरफुल, ठीक है। लेकिन आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा ना, दैट इज़ गुड, ठीक है? क्योंकि जब डिलीवरी शुरू होगी, प्रोसेस ही है, उससे पहले के फियर्स हैं, डिलीवरी के प्रोसेस जब शुरू होगा, दैट इज़ ओके। ओके, नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जी है, यस थोड़ी सी देर लग सकती है, ठीक है, लेकिन होगा सब कुछ, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये बच्चा जो है थोड़ा देर लगेगा आने में, क्योंकि तो नाइट की एनर्जी है, लिटिल बिट स्लो, इतना फास्ट पेस नहीं है, बट टेन ऑफ अर्थ शो करता कि हैप्पी फैमिली यूनियन, ठीक है। और वर्ल्ड कार्ड भी यही है, आप में से कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि आपका डिलीवरी आपकी होम टाउन में नहीं होने वाला, वर्ल्ड कार्ड है, अब्रॉड में हो सकता है। सन कार्ड भी ये शो करता है, बेटा होगा पहला, हो सकता है, लेकिन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, बेटी भी हो सकती है, और लेकिन है ये सन, मतलब एवरीथिंग विल बी फाइन इन द एंड, सूरज निकल आएगा। आई हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ये डर शायद आपको पहले ही था, बाद में आप यही सोचोगे मैं एवं ही डर रही थी, कुछ भी नहीं हुआ, तो डिवाइन की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वर्ल्ड कार्ड, बहुत खुशी मिलने वाली है आपको एंड में, ठीक है, बहुत खुश हो जाओगे, जॉय है, कंटेनमेंट है, ग्रेटिट्यूड है, एंड दिस पाथ इज़ टूवर्ड्स इनलाइटमेंट। ओके, ये बच्चा काफ़ी लकी है। टेन ऑफ अर्थ भी अगेन, हैप्पी फैमिली एंड छोटी छोटी चीज़ों, मतलब आप काफ़ी ग्रेटफुल हो गए डिवाइन से, इट्स ओवरऑल एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली फाइन एंड वेरी वेरी इजी,
गोइंग, क्योंकि कोई मुश्किल का कार्ड नहीं आया, पहले ही था दो कार्ड मुश्किल के, कि ये आपके इनर थॉट्स हैं। ठीक है, चलें जी मूव ऑन, कि आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहने वाला है इस पूरे प्रोसेस में और बच्चों को देखने के बाद। एट ऑफ वाटर, किंग ऑफ एयर, नाइट ऑफ फायर, थ्री ऑफ एयर एंड किंग ऑफ अर्थ। ओ माय गॉड, दो किंग आए हैं, यूनिटी। गाइस, आपके पर्सन जो है ना, फ्यूचर स्पाउस, वो ना बड़े परेशान हैं, थ्री ऑफ एयर, दिल ऐसे उनका टूटा हुआ, पता नहीं आज क्या होना है, काफ़ी सैड होंगे शुरू शुरू में। आप तो परेशान हो ही, वो आपसे भी ज़्यादा, उनकी हालत ख़राब है। लेकिन उनको दिल में पता है कि इसको मैं नहीं बताना, मैंने ऐसी कोई चीज़, पहले ही परेशान है, इसने और परेशान हो जाना है। लेकिन बच्चे को देखने के बाद तो बस कुछ ना पूछो, किंग की एनर्जी है, नाइट से इन्होंने एकदम किंग बन जाना है। ठीक है, इनको बहुत शौक़ बच्चे का, नाइट ऑफ फायर, बहुत शौक इनको बच्चे का है, लाइक कि इज़ वेरी रेस्टलेस, कब देखूँगा, वेरी पैशनेट कि कब देखूँगा मैं अपने शेर को या शेरनी को, राइट। एंड जैसे ही देखेंगे, साथ ही किंग बन जाएंगे, किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ अर्थ। ठीक है, सो आई थिंक अब योर पर्सन इज़ वेरी वेरी रिच, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ख़रीदी भी है उसके लिए, बेबी के लिए। ठीक है, यूनिटी कार्ड, टू मच एक्साइटेड अपने बच्चे को उठा करके, उसके साथ यूनाइटेड होके, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड उनको ऐसे लगेगा मेरा इसके साथ है, इसको देख करके अपनी सारी गम परेशानियाँ मैं भूल जाता हूँ, राइट। तो इस ऐसी इनकी फीलिंग है, बहुत ही ओवरवेलमिंग, वेरी नाइस एंड वेरी एनर्जाइजिंग आपके पर्सन की बच्चे को देख के फीलिंग है, क्योंकि किंग ऑफ एयर आई थिंक ये बताएंगे सबको कॉल करके ना, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। ही विल बी टेलिंग एवरीबडी, सी मेरा बेटा बेटा हुआ है, बेटी हुई है, जो भी है। एंड किंग ऑफ अर्थ इज़ ऑल अबाउट स्पेंडिंग मनी लैविशली, ये लो सबको गिफ्ट्स, सब के लिए ये तो वो तोहफे, और बच्चे के लिए तो खैर आएंगे ही आएंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आउट ऑफ कंट्रोल लग रहे हैं मेरे को बिल्कुल एकदम से, तो काफ़ी हाई फीलिंग्स हैं आपके स्पाउस की। ठीक है, एंड एट ऑफ वाटर इज़ ऑल अबाउट बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएँ उस बच्चे के लिए। यू विल बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि उनको ये आज दिन देखना पड़ा है। ठीक है, चलिए मूव ऑन, आपके ससुराल का रिएक्शन फिर देखेंगे मैके का। पहले ससुराल का रिएक्शन है जी, बैलेंस, स्ट्रेंथ, मेजर आर्काना, सिक्स ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ एयर, ठीक हो। वेल, ससुराल में आपके मदर इन लॉ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इस सब में। ठीक है, और उनका रिएक्शन भी ऐसे ही है कि लाइक एक तो सिक्स ऑफ वाटर है, ठीक है, ये कुछ पास्ट मेमोरीज होती हैं चाइल्डहुड की, तो आई थिंक हो सकता है वो आपकी मदर इन लॉ आपको अपनी कहानियाँ, अपने जब उनका था पहला बच्चा या इस तरह, अपनी वो स्टोरी सुना सुना के दिलासा दे रही हूँ, कैसे हुआ था, कुछ नहीं होता, ये है वो है, कुछ मेमोरीज है पास्ट की। हो सकता है जब आपके हस्बैंड पैदा हुए थे, जरे उनकी अम्मा सुना रही हैं, अम्मा बात सुना रही हैं कि जब मेरा जब ये पैदा हुआ था तो मैंने ऐसे किया था, इसके मैंने ये कपड़े रखे थे, ये हुआ था, इस तरह की कुछ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है उनसे। लेकिन रिएक्शन ये होने वाला है कि उनका, आपका जो ससुराल है, इस बच्चे के पैदा होने के बाद उनको लगेगा कि अब हमारी फैमिली कंप्लीट हुई है, अब बैलेंस आया है कुछ। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि किसी की डेथ हुई हो पहले एक बंदे की फैमिली में, तो जब ये बच्चा पैदा हुआ था, दे विल बी लाइक ओके, कोई बात नहीं, एक एक जिना गया है तो एक जिना वापस आ गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, एंड ये बच्चा बहुत स्ट्रेंथ रहेगा आपके ख़ानदान की, आपके परिवार की, तो ससुराल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, स्ट्रेंथ है, और एक मटेरियल, यहाँ पे ईगो कार्ड है, मटेरियल, बट यहाँ आपके हस्बैंड की तरफ से भी बहुत था, बहुत पैसा लगाने वाले हैं भाई,
यहाँ पर भी मटीरियल थिंग्स का क्या, ओवरली बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन मटीरियल थिंग्स, ओवरली फोकस्ड मतलब बिला वजह के ही स्पेंडिंग, बिला वजह ही पैसे खर्चे जा रहे हैं। वाओ रिच फैमिली, या इनका दिल बहुत बड़ा है, या इनका पहला बच्चा है, उनको ऐसे लगता है सब कुछ इसी का, हमने क्या करना है, राइट। सो ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, बहुत खुश हैं सारे, स्पेशली स्ट्रेंथ में आ गए हैं इस बच्चे के पैदा होते से ना। चलो अब जो रिएक्शन है सबको, लड़कियों को उसका इंतज़ार है, और वो रिएक्शन है आपके मैक के वालों का। टू ऑफ फायर एंड एस ऑफ एयर। ओके पेज ऑफ एयर, माई लव आपकी। सो मैके में ये सिचुएशन है कि बहुत सारी आपके और आपके बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स हैं, प्रेयर्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि दो ऐसा हैं, एक नई शुरुआत है उनका, आपकी मदर का, आपके फादर का आपस में यही कॉन्वर्सेशन होगा कि चलो हमारी बेटी की ज़िंदगी में एक नई खुशी आई है, ठीक है। तो एस ऑफ अर्थ है, अगेन यहाँ पे लक्ष्मी है, तो आपकी बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी बच्चा है ये लक्ष्मी का रूप होगा। टू मच इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, पहले ही अबंडेंट हैं बहुत आपके हस्बैंड, और ये और लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके जो है, घर वाले वो यही दिख के बात कर रहे थे कि लाइक एक नई शुरुआत है हमारी बेटी की ज़िंदगी की, तो बहुत खुश हैं सारे, ऑब्वियसली टू ऑफ फायर है। तो ज़्यादातर ना उनका फोकस यही है कि एक नई चीज़ शुरू हो रही है हमारी बेटी की ज़िंदगी में, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, अब ये मसरूफ़ हो जाएगी, अब ये बिज़ी हो जाएगी, अब ये बच्चों में होगी, एंड टू मच ओवरवेलमिंग, टू मच। लेकिन आपके ना जो घर वाले हैं ना, बैके वाले काफ़ी कंपोज्ड पीपल है, मतलब वो नहीं है जो इमोशनल होकर रो रहे होते हैं और इस तरह गिर रहे होते हैं, नो, वेरी एजुकेटेड, वेरी कंपोज्ड। उनको पता है कि मतलब हमने उतना ही रिएक्ट करना है इनके सामने कि जितना मतलब ससुराल में इसके बैलेंस आउट चीज़ें रहें, ज़्यादा भी ओवर रिएक्ट भी नहीं करना, वो और बात है घर आके वो जितना मर्ज़ी रोएं, खुशी के आंसू आपस में जितना मर्ज़ी हो, लेकिन दे आर बिहेविंग वेरी वेरी डिसेंटली ओवर देयर, आपके जहाँ पर हॉस्पिटल में होगी ना, जिधर भी बच्चा पैदा हुआ है वहाँ पर। लेकिन गिफ्ट्स आएंगे बच्चे के लिए बहुत सारे, और स्पेशली आपकी मदर काफ़ी खुश है, और आपके स्पेशली फादर भी, ठीक है। आपके दोनों मदर फादर बहुत खुश होंगे, आपके बहन भाई, एवरीथिंग विल बी ओवरवेलमिंग फॉर यू गाइस। ओके सो दिस वाज ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई होप दैट यू लाइक इट रीडिंग, एंड या इफ यू वांट टू यू कैन सब्सक्राइब, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।